किसानों का दिल्ली मार्च आज से शुरू होने वाला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला है। किसान और सरकार में अभी तक बात नहीं बनी है। किसानों के मार्च को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किसानों की तरफ से किया जा चुका है। कल सिटी ब्यूटीफुल यानी कि चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे तक किसान और केंद्र मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। उस बातचीत में कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला है और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और किसानों की वैसे तो कई मांगे हैं, लेकिन मूलतः एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर किसान एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। किसान आर पार के मोड में है। किसानों का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर बातचीत होगी, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, किसान पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर आ रहे हैं और किसानों के आने की जानकारी को लेकर प्रशासन की तरफ से कई तैयारियां कुछ दिन पहले से ही की जा रही थी। बॉर्डर्स में पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी है। ये है दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। अगर हरियाणा और पंजाब से किसान आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस उनको यहीं पर रोकेगी। अभी फिलहाल जो फ्लाईओवर है उसको दिल्ली पुलिस ने बंद नहीं किया है, खुला हुआ है। लेकिन फ्लाईओवर के दोनों तरफ दिल्ली पुलिस ने ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये कंटेनर सड़क के बीचों बीच रख दिए जाएं। तो मिट्टी है और कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स में मिट्टी भर दी जाएगी और सड़क को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फ्लाईओवर के जो नीचे दोनों ओर की सर्विस लेन है उसको पुलिस ने पूरी तरह बंद कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसी बैरिकेडिंग है। सबसे पहले आप देखें कि पत्थर के जो बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो सबसे आगे रखे हुए हैं। उसके बाद दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है जिसमें पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड हैं और ऊपर कटीले तार हैं। इसके बाद जो जर्सी बैरिकेड्स हैं यानी लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो रखे हुए हैं और इनकी मल्टी लेयर है और ऊपर से कटीले तार बिछा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर हैं और इनमें मिट्टी भरी हुई है जिससे ये भारी हो गए हैं और इनको यहाँ से हटाना मुश्किल हो पाएगा, तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरह की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने कर दी है और ठीक ऐसी ही बैरिकेटिंग इस फ्लाईओवर के ऊपर होगी। जब किसान यहाँ पर पहुँचेंगे तो फ्लाईओवर के ऊपर भी इस तरह की बैरिकेटिंग होगी कि यहाँ पर भी मल्टी लेयर बैरिकेटिंग होगी और इसके साथ में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात होंगे। तो ये पहला सुरक्षा घेरा होगा। अगर किसान हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आएंगे तो सिंघू बॉर्डर पर उनको पहली जगह ये होगी जहां पर रोका जाएगा। अगर यहां से भी आगे निकल जाएंगे तो इसके आगे फिर 16 किलोमीटर की रेंज में 3 जगह पर बैरिकेटिंग है और वहां पर भी ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर, इसके साथ में जो पत्थर के बैरिकेड्स हैं वो, कटीले तार और टायर किलर, ये सब व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने की है। इसके अलावा हथियारबंद जवान भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर इस बार सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और बड़े बड़े लाउडस्पीकर भी लगे हैं जिससे कि अगर पुलिस को किसानों को वार्न करना है या उन्हें कुछ बताना है तो पुलिस इन लाउडस्पीकर के जरिए किसानों को आगाह कर सकती है। तो आशंका इस बात की है कि 15 से 20 हज़ार किसान दिल्ली पहुँच सकते हैं और 2 से 2,500 ट्रैक्टरों के जरिए जो किसान हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए जो कंटेनर हैं, कंटेनर अभी पूरे खाली हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलेगी कि किसान दिल्ली की तरफ मूव हो रहे हैं तो इन कंटेनरों में ये मिट्टी जो रखी है वो इन कंटेनरों में भर दी जाएगी जिससे कि ये कंटेनर भारी हो जाएं और इनको यहाँ से हटाना मुश्किल हो। तो ये मिट्टी लाई गई है और ये कंटेनर्स हैं, तो इस तरह की व्यवस्था पुलिस ने कर दी है। इसके साथ में यहाँ से लेकर मुकरबा चौक तक पूरे इलाके को 8 जोन में बांटा गया है और 8 जोन में 8 DCP होंगे जो कि सुपरविजन करेंगे। तो इस तरह से अभी फ्लाईओवर के ऊपर का रास्ता खुला हुआ है लेकिन नीचे सर्विस लेन बंद कर दी गई है और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को सख्त हिदायत है कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली में दाखिल ना होने पाए।
सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर एनडीटीवी इंडिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अभी सिर्फ आशंका है कि इतने किसान आ सकते हैं, लेकिन तैयारी देखिए यहाँ पे किस तरीके से की गई है। कटीली नुकीली तारों से यहाँ पे किसानों को रोकने की कोशिश और बड़े बड़े कंटेनर्स फिलहाल खाली है और जैसे ही किसान पहुंचते हैं तो उस कंटेनर को मिट्टी से भर दिया जाएगा ताकि किसान इस बॉर्डर को क्रॉस ना करे। शुभांग ठाकुर जो लगातार किसानों की हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद सिंघू बॉर्डर से टेकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? एक तरफ तो भारत सरकार किसान जो किसानों के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की बात की जाए, चौधरी चरण सिंह की बात की जाए, उन्हें भारत रत्न दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की ये तस्वीर, किसान आना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए हम देख रहे थे किस तरीके से तैयारी यहां पे की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो किसानों ने फिलहाल ऐलान किया है कि 10 बजे के बाद से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आपको अगर मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि सड़क की एक तरफ पर यहाँ पर अर्ध सैनिक बल तैनात किया गया है। वहीं देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, ट्रक्स को रुकवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ठीक सड़क के बीचों बीच ऊपर यहाँ पर CCTV कैमराज लगाए गए हैं जिनका कंट्रोल रूम साथ साथ में बनाया गया है। वहाँ से दिल्ली पुलिस जगह पर नज़र रखेगी। इसके अलावा देखिए पब्लिक जो अनाउंसमेंट स्पीकर्स हैं वो पुलिस ने यहाँ पर लगाए हैं कि अगर किसान यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे बात करने में आसानी होगी, उन्हें समझाने में आसानी होगी, वो इन अनाउंसमेंट स्पीकर्स की मदद से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सड़क को नैरो डाउन कर दिया गया है, सक्रिय कर दिया गया है क्योंकि ताकि पुलिस देख सके कि कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ से आगे जा रही हैं। वहीं अगर आपको मैं ये कंटेनर्स दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर सड़क के साइड में लगा दिए गए हैं, सड़क के किनारे पर लगाए गए हैं। उसके आगे ऐसे ही सीमेंटेड बैरिकेड्स यानी कि ये सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें फिलहाल लगाई गई है ताकि अगर किसान यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। इन बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर रेत भरी गई है इस रेत से ताकि ये भारी हो जाए। उसके अलावा कंटीले तार वाले आपको ये बैरिकेड्स पुलिस के यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उसकी दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो ट्रक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, कल हमने इन ट्रक वालों से बात भी करी थी, ये वो ट्रक वाले हैं जिन्हें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी गई पुलिस द्वारा। इनका ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें रुकवा दिया गया है और रुकवाने का कारण ये है कि अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो इन ट्रक्स की मदद से सड़क को ब्लॉक किया जाएगा। और ये वही सारे ट्रक हैं जो कल तक पार्किंग में थे लेकिन आज सुबह तस्वीरें जो है वो यहाँ से बदल चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मैं आपको इस वक्त सड़क दिखा रहा हूँ ये दिल्ली से हरियाणा के बहादुरगढ़ की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रुक रहा है। हालांकि दोनों तरफ की जो सड़कें हैं, चाहे वो बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाली सड़क हो या दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाली सड़क हो, ये दोनों फिलहाल खुली हुई हैं। सिर्फ यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अभी थोड़ा स्लो है। दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्या रूट वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है और कितनी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात किया है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्धसैनिक बल है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अभी ये अलग अलग शिफ्ट्स में यहाँ पर काम करते हैं तो अभी पीछे जो बसेस हैं उनमें भी अर्धसैनिक बल अभी है। उसके अलावा जैसे जैसे खबर मिलेगी कि अगर किसान टिकरी बॉर्डर के नज़दीक आ रहे हैं तो यहाँ पर जो सैनिक है उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। वहीं जो आप डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, देखिए फिलहाल ये दोनों सड़कें अभी खुली हुई हैं इसलिए ट्रैफिक यहाँ से जाने दिया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली की तरफ हो चाहे वो हरियाणा की तरफ हो। लेकिन अगर जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो सड़क को रोका जाएगा, सड़क को ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो नंगलोई की तरफ जो रास्ता है वहाँ से घूम करके आपको हरियाणा की तरफ जाने को जो है वो रोड डाइवर्ट किया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि RAF की टीम भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। दिल्ली के आउटर वेस्टर्न जो DCP है जिमी चिरम वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थान पर मौजूद हैं, वो खुद पूरी सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी देखरेख में ही तमाम जो इंतज़ाम यहाँ पर आप देख रहे हैं वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग भी पुलिस वालों से बात कर रहे हैं,
ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये जो सिलसिला है ये ट्रैफिक का ये रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो ना तो किसान है ना ही सरकारी कर्मचारी, लेकिन उन्हें ही सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। जो स्थानीय लोग हैं उन जिन्हें यहाँ से रोज बॉर्डर क्रॉस करना होता है, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। उसके अलावा वो ट्रक ड्राइवर्स जो सिर्फ अपना सामान पहुंचाने के लिए यहाँ से परसों रात को 12:30 बजे निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। तो देखिए फिलहाल जो जनता है वो ही परेशान होने वाली है। ना तो सरकार अभी तक किसानों की मांगों पर कुछ अहम बात सामने रख पाई है और ना ही किसान अभी तक संतुष्ट है उनकी बातों से, क्योंकि जो सरकार है वो कह रही है कि हम कमेटी बनाते हैं, लेकिन 2020 में भी कमेटी ही बनाई गई थी, अभी तक MSP पर कानून लागू नहीं किया गया है। उसको लेकर के आज किसान दिल्ली में मार्च करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 10 बजे के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम आपको दिख रहे हैं ये और ज्यादा कड़े होते नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुभांग, क्योंकि कल भी चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे तक बातचीत हुई थी केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच, बातचीत बेनतीजा रही है और आज इसीलिए किसान बड़ी संख्या में दिल्ली का रुख कर रहे हैं। शुभांग, जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई है ऐसा लग रहा है कि बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच सकते हैं, कितने बजे तक किसानों के पहुंचने की संभावना है, इसको लेकर कुछ आइडिया? देखिए अगर वो 10 बजे के करीब वहां से निकलते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ने ही तैयारी की है, हरियाणा पुलिस ने भी तैयारी की है। तो अगर वो हरियाणा पुलिस की तैयारी को विफल कर आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, उनके बैरिकेड को तोड़ करके आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, उसके बाद ही वो यहां तक पहुंच पाएंगे। सिंघू बॉर्डर पे भी अच्छी खासी तैयारी की गई है और जिस तरीके के कड़े इंतजाम हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, इनको देखकर ये कह पाना मुश्किल होगा कि जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर की मदद से भी निकल पाएंगे, क्योंकि देखिए सड़क के बीचों बीच भी आपको यहाँ पर सीमेंट की ये दीवारें दिख रही है। तो अगर वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश भी करेंगे, इन सड़क की दीवारों को भी सड़क पर ले आया जाएगा, तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि किसान यहाँ से जो बॉर्डर्स है वो पार कर भी पाएंगे, और यही कड़े इंतजाम दिल्ली के हर उस बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर किसानों के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा बॉर्डर क्रॉस कर पाना, तो जहाँ पर वो जहाँ तक वो पहुँच पाएंगे वो वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन फिलहाल 10 बजे के बाद ही तस्वीर थोड़ी ज़्यादा साफ हो पाएगी कि किसान कितना आगे बॉर्डर्स क्रॉस कर पा रहे हैं। जी 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 शुभांग, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए, फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।